41A का नोटिस आया, आपने जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, पुलिस ने आपको दूसरा नोटिस दे दिया कि भाई फिर से सेकंड नोटिस आपके पास आ गया, फिर भी आपने पुलिस जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, दो नोटिस आपको पुलिस ने दे दिए। अब पुलिस क्या करेगी, सीधा कोर्ट को अप्रोच कर लेगी आपका अरेस्ट वारंट मांगने के लिए कि ये बंदा नहीं आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहा है, कई सारी बातें होती हैं। अब जब भी किसी को 41A का नोटिस मिलता है तो उसके दिल में कुछ तरह के सवाल आते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, क्या हमें पुलिस जाते ही अरेस्ट कर लेगी? दोस्तों बिल्कुल पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, और ऐसा जरूरी भी नहीं कि पुलिस आपको अरेस्ट करेगी। क्यों? कि जब आपसे पूछताछ की और उस पूछताछ में सारे एविडेंस आपके साथ कनेक्ट हो गए या आपने जो जो चीजें बताई वो सारी चीजें आपके अगेंस्ट चली गई, क्योंकि आपको मामला तो पता नहीं है, पुलिस पहले पूरा मामला आपको बताएगी नहीं कि पूछताछ बाद में शुरू करेगी, पहले आपसे सवाल जवाब पूछना शुरू कर देगी पुलिस। आप देखोगे कि जब आपके पास 41A का नोटिस आता है उस पर FIR नंबर तो लिखा होता है बट FIR साथ में नहीं आती। 41A का नोटिस आया, आपने जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, पुलिस ने आपको दूसरा नोटिस दे दिया कि भाई फिर से सेकंड नोटिस आपके पास आ गया, फिर भी आपने पुलिस जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, दो नोटिस आपको पुलिस ने दे दिए। अब पुलिस क्या करेगी, सीधा कोर्ट को अप्रोच कर लेगी आपका अरेस्ट वारंट मांगने के लिए कि ये बंदा नहीं आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहा है, कई सारी बातें होती हैं। मामले में BW बेलेबल वारंट इशू होता है, उसके बाद NBW इशू होता है, नॉन बेलेबल वारंट, फिर भी आप नहीं आ रहे हो, फिर भी आपके पास नोटिस भेजा जा रहा है लगातार, नहीं आ रहे हो आप, कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हो, नहीं आप पेश हो रहे सामने पुलिस वाले के, अब आपके अगेंस्ट शुरू हो जाएगी 82 की प्रोसीडिंग, मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, इस वीडियो को आपने अगर देखा हो तो अभी हम जो थंबनेल दिखा रहे हैं थंबनेल उसी वीडियो का है, इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। हालांकि इस वीडियो के एंड में मैं उस वीडियो को जरूर डाल दूंगा ताकि आप उस वीडियो को देख सके भगोड़े के साथ में किस तरह से इलाज करती है पुलिस या कोर्ट। 82 की प्रोसीडिंग चल जाएगी, फिर भी आप हाथ में नहीं आ रहे, अब 83 की प्रोसीडिंग चलेगी कुड़की की। हालांकि लंबा प्रोसेस है पर मैं आपको बता दूं ये प्रोसीडिंग पुलिस फॉलो कर सकती है कोर्ट की सहायता से, कोर्ट ही ऑर्डर करेगा तभी आपकी ये प्रोसीडिंग चालू होगी। अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया बिना 41A का नोटिस दिए, बिना कोई स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव कि आपको अरेस्ट करना बहुत जरूरी है, बस ये नहीं कि पुलिस के पास पावर है किसी को अरेस्ट करने की तो किसी को भी अरेस्ट कर लेगी, वहां रीजन मेंशन करना ही पड़ेगा। अगर रीजन मेंशन नहीं करेंगे उनकी नौकरी पर बात आएगी। दोस्तों पुलिस वालों की, ऐसे जो पुलिस वाले होते हैं जो अपनी मनमानी चलाते हैं, उनको सीधा करने के लिए वकील साहब बड़े आसानी से कोर्ट में इनको बुला लेते हैं, सवाल जब पूछे जाते हैं तो सस्पेंड हो जाते हैं लोग, वर्दी तक उतर सकती है इन लोगों की अगर वो अपनी मनमानी करेंगे। किसी भी तरह की आप एडवाइस चाहते हैं, नोटिस आपके पास आया है, कुछ जानना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप करें या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे आपको सही सॉल्यूशन देने की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा हो आज का हमारा वीडियो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।